मसाला मार्केट से लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें बहुत तरह का मिलावट होता है। इसी वजह से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं घर पे कैसे मटन कोरमा मसाला तैयार करती हूँ। ये चिकन कोरमा में भी आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम जितना खड़ा मसाला है उसे ड्राई रोस्ट करेंगे और पाउडर को बाद में रोस्ट करने के बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 8 से 10 लौंग है, 6 छोटी इलायची है, इसे मैं पैन में डालती जाऊंगी और क्वांटिटी भी सारा बताती जाऊंगी। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून क्यूमिन है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 टेबल स्पून कोरिएंडर, 1 स्टार फ्लावर, छोटा सा जायफल का टुकड़ा, 1 जावित्री का फूल, 8 से 9 रेड चिली, आपके पास खरबूज या तरबूज का कोई भी बीज हो वो 1 टेबल स्पून ले लें, खसखस इसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं 1 टेबल स्पून, आलमंड 10 पीस है, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, इसे मैं बाद में ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इन सब ड्राई मसालों को रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे ना, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। बस हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ठंडा होने के लिए एक साइड में 2 से 4 मिनट के लिए रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मसाला ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे। इस मसाले से हम 1 से 1.5 केजी तक कोरमा बना सकते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप 1 केजी बनाएं। अब हम इसमें टर्मरिक और कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। अब इसे ब्लेंडर मशीन में 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करके लाती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा मटन कोरमा मसाला बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन पाउडर बना है। इससे रिलेटेड मैं रेसिपी जल्द डालने वाली हूँ, आप जरूर इस मसाले को बना के स्टोर करें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।